इस साल 5 अक्टूबर को पूरा देश दशहरा का पर्व मनाएगा। दशहरा के दिन पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन ही भगवान राम ने माँ दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना कर बुराई के प्रतीक रावण के अहंकार को चूर चूर किया था और रावण का वध किया था। देश में रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए रावण के पुतले का हर साल दहन होता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर दशहरा के दिन शोक का माहौल रहता है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रावण का अभिषेक किया जाता है। इन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश का विदिशा। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म विदिशा में हुआ था। विदिशा रावण की ससुराल थी, इसीलिए रावण की पूजा विदिशा में की जाती है। विदिशा में रावण की 10 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनी हुई है। विदिशा के इस इलाके में शादी या किसी भी शुभ कार्य में लोग रावण की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर। रावण का एक मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी है। ये मंदिर पूरे साल में केवल विजयादशमी के दिन ही खोला जाता है और इस मंदिर का नाम है दशानन मंदिर। दशानन मंदिर में दशानन की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और जब रावण के पुतले का दहन होता है उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक विजयादशमी के दिन इस मंदिर में रावण का दुग्धाभिषेक होता है। इस मंदिर में रावण के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर। कहा जाता है कि पूरे भारत में रावण का सबसे पहला मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना था। इस मंदिर में रावण की एक विशाल प्रतिमा रखी हुई है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा के सामने से जब भी यहाँ की महिलाएं गुजरती हैं, तो रावण के सामने घूंघट डालकर निकलती हैं। उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक गांव में भी रावण का कभी दहन नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर भी रावण की पूजा होती है। रावण का ये स्थान उज्जैन जिले के चिखली गाँव में है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। इसी के डर से यहाँ के लोग रावण दहन नहीं करते, उल्टा रावण की मूर्ति की पूजा करते हैं।